तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की जो वॉलपेपर सर्विस होती है दोस्तों, वॉलपेपर सर्विस के अंदर एक नया अपडेट आया है दोस्तों। वॉलपेपर सर्विस होता क्या है? वॉलपेपर सर्विस वो होता है जो लॉक स्क्रीन पे आपके जो मोबाइल के वॉलपेपर चेंज होते हैं वो वॉलपेपर सर्विस करती है दोस्तों। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। अपडेट होने के बाद क्या चेंजेस हुए हैं, या फिर बोल सकते हैं अपडेट होने के बाद ग्लैंस ऑन सैमसंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, आगे देखते हैं दोस्तों। तो वीडियो स्किप मत करेगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। ऐसे सैमसंग से रिलेटेड टॉपिक के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग वॉलपेपर सर्विस के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप अपडेट्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। जैसा कि मैंने बताया, गैलेक्सी स्टोर नया अपडेट हो चुका है। आपको मेन्यू में आके अपडेट्स पे जाएंगे। अपडेट्स में आने के बाद आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा वॉलपेपर सर्विसेज का, ये जो कि रिसेंटली आज ही के दिन मेरे पास आया है, पर ये प्रीमियम फॉर्म में पहले आ चुका होता है। आप देखेंगे नीचे की तरफ तो ये 14 सितंबर को रोल आउट किया गया है, बट मेरे पास आज ही के दिन ही आया है। इसमें क्या है, ये क्या लिखा गया है, इस ऐप का काम क्या है, शो अ डिफरेंट वॉलपेपर ऑन द लॉक स्क्रीन ऑन ऑन स्क्रीन ऑन एंड स्वाइप लेफ्ट टू लॉक स्क्रीन टू व्यू आर्टिकल एंड वीडियोस। इसका काम क्या है, लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर को दिखाने का। इसमें मैं उन्होंने कुछ ऐसा डीपली बताया नहीं कि इस ऐप में अपडेट के बाद क्या चेंजेस किया गया है, बट मुझे लगता है हो सकता है कि जो ग्लैंस ऑन सैमसंग जो सर्विस है अभी वर्क नहीं कर रही है, इस अपडेट के बाद शायद वर्क कर जाए। तो उसको कर लेते हैं अपडेट। अपडेट होने के बाद देखते हैं कि वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो दोस्तों फाइनली हो चुका है ये अपडेट। अपडेट करने के बाद यहाँ से आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन, या फिर बोल सकते हैं वॉलपेपर है, आप स्टाइल वाले पे भी जा सकते हैं। तो आप चाहे दोनों में से कुछ भी चले जाए, मैं लॉक स्क्रीन वाले पे चला गया। यहाँ जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायनामिक लॉक स्क्रीन का, वॉलपेपर सर्विस आपको दिख रहे होंगे इनेबल है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ग्लैंस ऑन सर्विस, ग्लैंस ऑन सैमसंग। अब पहले तो ग्लैंस ऑन सैमसंग काम नहीं कर रहा था, उसी को करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ सेटिंग पे गया, स्टोरी टॉपिक पे गया, तो ये अभी भी काम नहीं कर रहा। एक काम और करते हैं, अब वॉलपेपर सर्विस को एक बार वो करके देख लेते हैं, उसका ऐप इन्फो में जाके उसको हटा के देख लेते हैं। उसके बाद भी चलता है या नहीं चलता। मैंने यहाँ पर गया आई बटन पे, आई बटन पे आने के बाद मैं यहाँ पर आया स्टोरेज पे, स्टोरेज पे आने के बाद मैंने यहाँ पर क्लियर डेटा को भी कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से बंद करा, दोबारा सेटिंग पे गया, लॉक स्क्रीन पे गया, वॉलपेपर सर्विस पे गया, और मैंने यहाँ पर ग्लैंस ऑन सैमसंग पे गया, और यहाँ सेटिंग पे गया, स्टोरी टॉपिक पे गया, तो ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे मैंने अप्लाई भी कर दिया है, तो अप्लाई होने के बाद वही गिनती के 4-5 जो दिखते हैं पहले के जैसे वही दिखेंगे, बस यही दिखेंगे आपको। उसके बाद ये वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा था इस अपडेट के बाद हो सकता है कि ग्लैंस ऑन सैमसंग काम कर जाए, बट इस अपडेट के बाद भी ग्लैंस ऑन सैमसंग सर्विस वर्क नहीं कर रही है। तो सिंपल नॉर्मल सा अपडेट था वॉलपेपर सर्विस का, जो भी कुछ बग्स होंगे देख रहे होंगे वापस आ चुका है, तो ये वापस वर्क नहीं कर रहा। आप डायनामिक लॉक स्क्रीन लगाएंगे तो वो तो ईजिली यहाँ पर वर्क करेगा, बट इस अपडेट से हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे जो भी डाउट्स हों उसको क्लियर, या को भी बग्स हों उसको यहाँ पर क्लियर करा गया। आप देख लेंगे आप ये चल रहा है, पर वो वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था। दोस्तों बस यही नया अपडेट था वॉलपेपर सर्विस की तरफ से, तो जो कि मैंने आपको बताया, इसलिए वीडियो बना के बताया कि हो सकता है कि इसके बाद ग्लैंस ऑन सैमसंग चल जाए, बट वो भी नहीं चल रहा है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उस वीडियो कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।